होगा तो क्या बाकी है। कृष्ण की बांसुरी वृंदावन चाहिए, अब तिरंगा लगा हर सदन चाहिए, अब तिरंगा लगा हर सदन चाहिए। ये टुकड़े टुकड़े जमीन होने देंगे नहीं, हमको सारा का सारा चमन चाहिए।
भी ध्यान होना चाहिए। और मैं तो समझौता के बिंदु आता है तो उसको मजाक उड़ाया जाता है, कभी कोई बात हो जाती है। आजकल बिलावल साहब बोल रहे हैं, कभी मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि हाँ शादी ब्याह हो सकते हैं, होते रहे हैं। अटल जी अब बुजुर्ग हो गए हैं, एक नया प्रधानमंत्री है, मैं एक प्रस्ताव देता हूँ, सुनिए। अटल जी बस से पारा तले के जाए जब स्वागत में शायरों को पान खिलवाइए। अटल जी बस से पारा तले के जाए जब स्वागत में शायरों को पान खिलवाइए। और कुछ लखनऊ कभी साथ में बराती होंगे उन्हें मीठी मीठी ठंडाई पिलवाइए। मेहर में मांगती है दुल्हन कश्मीर, पहले तो मोदी जी से उन्हें मिलवाइए। दूल्हे के भाई अडवाणी जी की एक शर्त, उनको दहेज में कराची दिलवाइए। जवाब था लेकिन वो जवाब मैं देना चाहता हूँ उन वीर शहीदों के नाम से, उनके सभी हाथ खोलना चाहता हूँ। और इस छत तो युद्ध की समस्या का हल नहीं है, आइए सबको देता हूँ। हिंद की जमीन वीर बांकुरों की जन्मभूमि, सोए हुए सिंह को नींद से जगाइए। हिंद की जमीन वीर बांकुरों की जन्मभूमि, सोए हुए सिंह को नींद से जगाइए। और बीज फिर युद्ध के न बोइए जनाब आप, एफ सोने वाहिया न घर में उड़ाइए, एफ सोने वाहिया न घर में उड़ाइए। कितने हमीद इस भूमि पे खड़े हैं आज, मांगे हुए टैंक लेके फिर न डराइए। और ध्यान कश्मीर का तो वाहिद रखेंगे हम, आप कश्मीर छोड़ सिंध को बचाइए। शूल लेकर तुम खड़े हो पाखुरी के सामने, शूल लेकर तुम खड़े हो पाखुरी के सामने, और चाहते हो हम गला रखे छुरी के सामने, चाहते हो हम गला रखे छुरी के सामने। तो फिर भला अब दोस्ती की बात तुमसे क्या करें, रख दी है तलवार तुमने बांसुरी के सामने, रखती है तलवार तुमने बांसुरी के सामने। और बांसुरी का जवाब मुझे सबके हाथ खुल जाने चाहिए। जो भारत बहुत ही बोलता, भारत का प्रधानमंत्री बहुत बड़ी हस्ती आज के समय में इस युग में, लेकिन कहता हूं कि रख दी है तलवार तुमने बांसुरी के सामने, कि मैं चुप हूं तो समझो मेरा मौन बोलता है, मैं चुप हूं तो समझो मेरा मौन बोलता है, और बोलने से पहले 100 बार बोलता है। और जहां कोई शिष्यपाल शब्द की मर्यादा तोड़े, वहां बांसुरी मौन हुई थी चक दौड़ता है। समापन का शेर, 4 शेर इसमें यूं है, बहुत साधारण कविता है, आप भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने कुछ बिंगों का प्रयोग किया है सवाल पूछते हुए जवाब देते हुए। कि कब तक बोझ संभाला जाए, कब तक बोझ संभाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। धारा 170 में बड़े शेर हुए हैं, मैं एक शेर तरीके से कहना चाहता हूं कि युद्ध कहां तक टाला जाए। दूध छीन बच्चों के मुंह से क्यों नागों को पाला जाए, दूध छीन बच्चों के मुंह से क्यों नागों को पाला जाए। और इसे यूं होना चाहिए कि दोनों ओर लिखा हो भारत सिक्का वही उछाला जाए, राणा का वंशज फेंक जहां तक भाला जाए, और दोस्ती करना चाहते हो तो हमारी मनीषा हमारी संस्कृत से यूं हो सकती है, इससे अच्छा शेर मैं आपके लिए नहीं पढ़ सकता हूं, कि फेंक जहां तक भाला जाए, कि तेरे मेरे दिल पर ताला, तेरे मेरे दिल पर ताला, राम करे ये ताला जाए, और वाहिद के घर दीप जले तो मंदिर तक उजियाला जाए, दीप जले तो मंदिर तक उजियाला जाए, दोनों लोग भारत।
कितना भाई उछाला चाहे, एक कविता पूरी हुई, दूसरी कविता कहती है छंद यूं पढ़ता हूं, जो उदासी है, फूल नहीं खिल रहे हैं, बादल नहीं बरस रहे हैं, कभी कहता है शायर कहता है कि अपनी आंखों के दो कुछ प्रेम के आंसू प्लास्टिक के आंसू बचा के रखो, फूल भी खिलेंगे बादल भी बरसेंगे, और अली कली से होते हुए कविता बजरंगबली से आ रहेगी, एक अभिनव कल्पना के छंद पढ़ता हूँ, एक प्रेम का छंद है और तीसरा चौथा छंद आपकी ओजस्विता को, जो अली बजरंगबली की ताकत है जो मैं हमेशा रखती है। दृढ़ताल को सूखा ये सवैया छंद है, बहुत कम लिखे जा रहे हैं, मैं रहूं या ना रहूं इसको सुना जाएगा पढ़ा जाएगा। कि दृढ़ताल को सूखा नहीं रखना मर जाएगी ये मन की मछली, और मछली को मिले जल राशि प्रिय, नयनों में रगे दुख की बदली, नयनों में रगे दुख की बदली, ये बदली दुख की जम के बरसे, खिल जाएगी यादों की प्रेम कली, और जो कली की सुगंध अली को मिले तो लगेगी फिजा बदली बदली, तो लगेगी फिजा बदली बदली। और ये फिजा कैसे बदलेगी, आइए फिजा बदलते हैं, समय आने वाला है, बहुत अच्छा समय आ सकता है, ये देश है, हम आप लोग हैं, युवा पीढ़ी है भारत की, तो कैसे फिजा बदलेगी उसके लिए छोटा बेसिक फंडा। कि जब पूजा या जाना में भेद न हो, खिल जाती है भक्ति की प्रेम कली, जब पूजा अजानों में भेद न हो, खिल जाती है भक्ति की प्रेम कली, और रहमान की राम की एक सदा गुलती, मुख में मिश्री की डली, गुलती मुख में मिश्री की डली, ये जब संत फकीरों की राह मिली, सब भूल गए पिछली अगली, और मियां वाहिद बोलते मौला जली, बजरंग बली बजरंग बली, मियां वाहिद बोलते बदली बदली। संगीत सुरों को मिला के बना, कोई ढोल बजाए कोई ढपली, संगीत सुरों को मिला के बना, कोई ढोल बजाए कोई ढपली, और बिस्मिल्लाह कहो शहनाई बजे, हर बीन पे नागिन है मचली, तब बीन पे नागिन है मचली, सद्भाव के तार में तार मिला, फिर याद रही बस प्रेम गली, तब वाहिद बोलत मौला अली, बजरंग बली बजरंग बली, वाहिद बोलत मौला अली। और त्योहारों का छंद, ये त्योहार कैसे हमको जोड़ते हैं, कहीं अवतार होता है, इस छंदों को आखिरी छंदों में रिपीट करते हुए मैं पढ़ता हूँ, संदर्भ देखिएगा। लखनऊ में एक मेला है हनुमान जी का, बेगम आतिया ने हनुमान जी का मंदिर बनाओ, बेगम आतिया ने लखनऊ के नवाब शौक, और उस संदर्भ को देखते हैं और उस मेले का चित्रण करते हैं कैसे जुड़ता है। जेठ की धूपों में चैन मिले बरसे, जो मोहब्बत की बदली, जेठ की धूपों में चैन मिले बरसे, जो मोहब्बत की बदली, और बदली बरसे जब राम कली, खुश हो के चले रमजान जली, कि बदली बरसे जब राम कली, खुश हो के चले रमजान जली, रमजान जली नौ रात्रि जगे, अवतार कराते हैं राम बली, तब वाहिद बोलते मौला जली, बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली। और आज ही छंद लेके जाना, तमाम धर्मों के जातियों के लोग हर जगह मदरसों में होते हैं या इस दृष्टि में होते हैं, वो छंद कैसे बोलता है, एक रूपक है जो इस भारत का दर्शन देता है। युवा सर्जक है जग सर्जना है, हम माटी के हैं पुतला पुतली, युवा सर्जक है जग सर्जना है, हम माटी के हैं पुतला पुतली, वो नचाता हुआ हम नाच रहे, चलते चरखे तक हुआ तकली, चलते चरखे तक हुआ तकली, युवा प्रेम के सागर सा दिखता, हम है नदिया छिछली उथली, और उसकी एक बूंद है मौला जली, एक बूंद वही बजरंग बली, बोलते मौला जली।